हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज जो है हम बहुत ही बड़ी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सरकार ने ऐसे लटका रखी है। कभी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे करेंगे, उसके बाद बच्चों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है स्पेशली उपेन यादव जी ने, उसके बाद ये भर्ती कहीं जाके जो है सरकार मानी है कि ये जो है अब आपकी परमानेंट बेसिस पे आएगी, ठीक है। और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा जो है भारी मात्रा में आने वाली है, यानी कि 10,000 पोस्ट पे कंप्यूटर की वैकेंसी आने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि जो वैकेंसी है और जो कितने सारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण जागी है कि भाई हाँ, यहाँ पर जो है हम जो है कंप्यूटर के शिक्षक बन सकते हैं। साथ में उससे अच्छी खबर ये है कि आपकी 10,000 के साथ प्लस 700 पोस्ट और आ सकती हैं कंप्यूटर की, जो कि ग्रेड वन, जिसको आप लेक्चरर भी कहते हो, उसके लिए, ठीक है। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये कब तक आ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। सरकार ने वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव। करीब 10,000 पदों पर होनी है कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती। बजट स्वीकृति मिलने के साथ ही भर्ती को मिलेगी गति, ठीक है। जैसे ही बजट की जो स्वीकृति है मिल जाएगी, वैसे ही आपकी भर्ती की जो रफ्तार है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। अगले एक महीने में भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना, यानी कि अगले एक महीने के अंदर, जैसा कि मैंने कहा था कि सितंबर स्टार्टिंग या सितंबर एंड तक आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो भाई अब जो है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, अब तो उठ जाओ, जाग जाओ। अगर आप सही में चाहते हो कि कंप्यूटर जॉब बनना और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हो और अपनी काफ़ी लंबे समय से ही सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हो और कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हो, तो इससे बेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, है ना। इतनी सारी वैकेंसी हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना ही जो है आप एक अच्छा जॉब ले सकते हो। अदरवाइज जो है ऐसे ही सोचते रह जाना, वैकेंसी ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। संभावना है कंप्यूटर वैक्यता पदों पर करीब 700 पद और शिक्षक के करीब 10,000 पदों पर निकलेगी, यानी कि जो लेक्चरर हैं, यानी कि ग्रेड वन है, उनके 700 जो है पद आ सकते हैं, ठीक है। 700 भी कम नहीं होते हैं भाई। अभी आप देख सकते हो कि 100 पदों के लिए बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, अब 10,700 पद जो है टोटल वैकेंसी आ रही है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अमाउंट में ये वैकेंसी है और काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और परमानेंट वैकेंसी ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी खबर आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो एक सरकारी टीचर बनना स्पेशली कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में एक तो वैसे ही वैकेंसी नहीं आती, और आती हैं तो सरकार जो है वो कोशिश पूरी करती है कि भाई कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ही करते, ताकि जो है आधी से आधी सैलरी जो है वो बच्चों को देनी पड़े। यानी कि कंप्यूटर की कहीं कोई वैल्यू है नहीं जैसे कंप्यूटर टीचर के उसमें, ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे जो है विकास हो रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि भाई हाँ, स्टेट में जो है कंप्यूटर को भी एक अच्छा दर्जा मिलेगा, मतलब प्रॉपर जैसे बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं वैसे ही आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी चला करेगा, तो भाई उसके लिए एक अच्छी खबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, आपके काम की लगी होगी, और लगी है तो फटाफट जो है आज से ही पढ़ाई जो है अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी जो है एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि 10,000 पद हैं तो आराम से जो है जॉब आ जाएगी, आराम से जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई बच्चे जितने 10,000 बच्चे हैं, तो आप समझ लो उससे डबल जो है बच्चे बेरोज़गार भी हैं और चाहते हैं कंप्यूटर टीचर बनना, तो सब अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत करेंगे एक जॉब लेने के लिए, तो आपको भी एक जॉब लेनी है, ठीक है। अगर आप साथ के साथ कंप्यूटर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए जो है आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं परीक्षा ऐप से। डेफिनेटली आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लीजिए, परीक्षा ऐप पे अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं, तो आप जब आप NS50 यूज़ करोगे तो आपको सीधा सीधा जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। NS50 अगर आप यूज़ करते हो तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर राजस्थान टीचर के लिए भी जो है टेस्ट अवेलेबल है, EMRS के लिए भी अवेलेबल है, DSSB के लिए अवेलेबल है, तो आप आराम से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।